जनपद में फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थानीय सेंटर ड्यूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के पांचवें दिन यंग बॉय चरगावा व लोको फुटबॉल क्लब के बीच मैच खेला गया, जिसमें यंग बॉय चरगावा ने लोको फुटबॉल क्लब को 4-0 से तथा पुल ए में स्टार क्लब भगवानपुर ने संदीप स्पोर्टिंग को 3-0 से हराकर अंक बनाया। आपको बता दें कि पहला मैच यंग बॉय चरगावा व लोको फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जहां एक तरफा मुकाबले में 16वें व 28वें मिनट में जमील और कृष्णा ने एक एक गोल तथा 35वें व 38वें मिनट में आशिफ के दो गोल की बदौलत यंग बॉय चरगावा 4-0 से विजयी रही। वहीं दूसरा मैच स्टार क्लब भगवानपुर व संदीप स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें स्टार क्लब भगवानपुर के दीपक गौड़, हसन अली व अली सेर ने 23वें, 36वें व 45वें में मिनट में गोल करके अपनी टीम को 3-0 से विजय दिला दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, ये अभी जो मैच आपके बीच चल रहा है यंग बॉय चरगावा और लोको एफसी के बीच है, जिसमें यंग बॉय चरगावा 2-0 से जीत रही है और ये आज मैच का पांचवा दिन है और इसके बाद दूसरा मैच तुरंत खेला जाएगा सेंट लुइस महाविद्यालय के ग्राउंड पे। आगे कुछ पूछना? ये मैच चलेगा पूरे 30 सितंबर तक, टोटल 45 मैचेस लीग के होने हैं, अपने अपने हर समूहों के मैच। पहले ग्रुप ए में 6 टीम है और ग्रुप बी सी डी में 5-5 टीमें हैं। सबको एक दूसरे से मैच खेलना हर ग्रुप में, चूंकि ग्रुप ए में 6 टीमें हैं इसलिए टोटल हर टीमों को एक दूसरे से 5-5 मैच खेलने होंगे और बाकी बी सी डी ग्रुप में 5-5 टीमें हैं उनको हर एक दूसरे टीमों से 4-4 मैच खेलने होंगे और ये कुल 45 मैच होने हैं 30 सितंबर तक। उसके बाद नॉकआउट दौर शुरू होगा गोरखपुर फुटबॉल लीग के।